सोनभद्र से बड़ी खबर, धारदार हथियार से एक युवक ने युवती का गला रेता। गांव के पास के ही एक गांव पर युवती को धारदार हथियार से गला रेतने का आरोप लगा है। युवती की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने वाराणसी रेफर कर दिया। परिवार के लोगों ने पुलिस को दी नामजद तहरीर। घटना स्थल पर जांच करने पहुंचे एसपी आशीष श्रीवास्तव। आपको बता दें, मामला सोनभद्र जनपद के कौन थाना क्षेत्र के हर्रा ग्राम पंचायत का है। आज 29 अक्टूबर के दोपहर में ये सूचना थाना कोन पर प्राप्त हुई कि थाना कोन के सलैयाडी ग्राम की रहने वाली सफीना पुत्री अली रोशन को गर्दन पर तेज धारदार हथियार से मार करके घायल कर दिया गया है। सुबह रात में वो अपने घर में सलैयाडी में थी। सुबह में जब उनके भाई वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उनको घायल अवस्था में देखा। सफीना को लोड़ी अस्पताल लाया गया था, वहाँ से उनको बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है। उनकी स्थिति नाजुक है। परिवार वालों की तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति के खिलाफ 307 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस की टीमें लगी हैं, शीघ्र ही अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की जानकारी की जा रही है। इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई शीघ्र ही पूर्ण की जाएगी।